वो ताकतवर शख्स जिसकी सिक्योरिटी को लेकर मोदी हुए चिंतित। आईबी ने जारी किया अलर्ट, मोदी ने तैनात की एएसएल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी सरकार और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नतीजे आए तो आरएसएस ने बीजेपी के कुछ नेताओं के रवैये पर सवाल उठा दिए। सियासी उठापटक के बीच आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हुई, सब कुछ ठीक होने की खबरें भी आ गई। लेकिन ऐसे में रातों रात मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है, उनकी सुरक्षा में इजाफा करने का ऐलान किया है। दरअसल मोहन भागवत की जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है। भागवत की सुरक्षा को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में अपग्रेड किया गया है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की सुरक्षा पीएम मोदी, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जैसे नेताओं को दी जाती है। तो मोहन भागवत की सुरक्षा की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय ने इसका फैसला किया है। पीएम मोदी, अमित शाह जैसी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मोहन भागवत को दी गई है। मोहन भागवत अब एएसएल सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। तो चलिए ये भी बताते हैं कि आखिर क्या होती है एएसएल सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी से कैसे अलग है, क्या है एएसएल सिक्योरिटी। एएसएल सिक्योरिटी को भारत में सबसे तगड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल माना जाता है। इस तरह का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे चुनिंदा नेताओं को मिला है। एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के तहत अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां पहले से सीआईएसएफ की एक एडवांस टीम जाएगी। सीआईएसएफ की एक एडवांस टीम वेन्यू से लेकर तमाम इंतजामों का रिव्यू करेगी, स्थानीय प्रशासन के साथ मीटिंग करेगी। सीआईएसएफ की एक एडवांस टीम के साथ आईबी भी मौजूद रहेगी। इस मीटिंग में वेन्यू, मंच, आयोजक, एंट्री, एग्जिट जैसे तमाम पॉइंट्स पर बात होगी। एडवांस टीम की हरी झंडी के बाद ही भागवत कार्यक्रम में जाएंगे। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में कई और प्रोटोकॉल शामिल हैं। प्रोटोकॉल के तहत मोहन भागवत बुलेट प्रूफ कार से ही चलेंगे, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस और दूसरी सुविधाओं से लैस होगी। अगर कहीं हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो खास चॉपर से ही ट्रेवल करेंगे। एएसएल प्रोटोकॉल के तहत उनके कार्यक्रम का रिहर्सल भी किया जाएगा। सीआईएसएफ के अलावा जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट तक की टीम रिहर्सल में मौजूद रहेगी। तो अब पीएम मोदी वाली सिक्योरिटी मोहन भागवत को दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उनकी सिक्योरिटी में अचानक इतना इजाफा किया गया, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने आईबी की तरफ से जारी इनपुट के बाद भागवत की सुरक्षा बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन समेत कई संगठनों के निशाने पर बताया जा रहा था, इसलिए उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया गया है और उनकी सुरक्षा में इजाफा करते हुए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।